बार तो बच गए। अब मैं अपना मोबाइल ही स्विच ऑफ किए देता हूँ, वरना उसका फोन फिर से आ जाएगा। हेलो लड्डू सिंह जी, मजा आया ना? इस बार तो शाने बचा लिया। अब आगे क्या होगा? अरे ये क्या खेल खेल रहे हो तुम? आई कविराज जी, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे आपको कविता सुनानी है। बोलो, आपको सुनाऊं या डायरेक्ट शिवा को? स्पीकर ऑन कर दिया है, एक काम करो, बोलते जाओ, सभी सुन लेंगे और सोचेंगे कि आगे क्या करना है। बोलो। अरे कविराज अंकल, ये छुप छुप के क्या कविता सुना रहे हो? सामने आके सुनाओ तो मजा आए। आऊंगा आऊंगा, सामने भी आऊंगा, लेकिन पहले अपना हिसाब किताब तो बराबर कर लूं। तुम्हारी वजह से मेरा भैया जेल में है। तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? अभी मेरी कविता सुनो। हा? चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से सोने के बिस्किट खिलाए। सोने के बिस्किट? ये गलत है, तुमको कविता नहीं आती। अरे गलत हो या सही, मिलेंगे सिर्फ 5 मिनट। चांदनी की चौक मतलब है? चांदनी का ढाबा तो है, वेदा शहर के बाहर चंद्रा चौक पे है, वहाँ बहुत लोग आते हैं, बहुत फेमस है वो। मैं समझ गया, फौरन चलो, चंद्र चौक के चांदनी का ढाबा अगला ब्लास्ट वही होगा। चलो। हेलो हेलो ऑल पुलिस फोर्स, सीधा चंद्र चौक पे चांदनी के ढाबे में चलो और वहाँ बॉम्ब तलाश करो, जल्दी। एक मिनट और सोच लेते हैं, कुछ और मतलब तो नहीं? अरे नहीं शिवा, सोचने का टाइम नहीं है, चंद्र चौक दूर है और 5 मिनट के अंदर पहुँच के बॉम्ब को ढूंढना है। तुम सोचो, कुछ और समझ आए तो फोन करना, मैं चला, बाय बाय। जाओ, ये बात उतनी भी सीधी नहीं कि लड्डू सिंह जी भी समझ सके, जरूर इसमें कोई पेच है। और वैसे भी ढाबा तो शहर के बाहर है, वहाँ ब्लास्ट करने से ज्यादा नुकसान नहीं होगा, कुछ और मतलब है। चाचा ने चाची को सोने की बिस्किट क्यों खिलाई? चांदी की चम्मच से चटनी चटाई थी ना, ये सोने की बिस्किट कहाँ से आई? जरूर सारा राज इन सोने के बिस्किट का ही है। और सोने के बिस्किट कहाँ होते हैं? सुनारों के यहाँ बैंक में भी तो होते हैं। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा सोने के बिस्किट बैंक में ही होंगे, सुनारों के यहाँ तो बहुत थोड़े होंगे। अब बोलो, सबसे ज्यादा सोना यानी सोने के बिस्किट किस बैंक में रखे हैं? ये तो लड्डू सिंह जी को ही पता होगा, पुलिस को सब पता रहता है। लड्डू सिंह जी, सबसे ज्यादा सोने के बिस्किट कहाँ मिलेंगे? अरे शिवा, यहाँ वेदा शहर को बचाना है और तुम्हें बिस्किट खाने की पड़ी है। आई, वैसे तो भूख मुझे भी लग रही है, कहाँ मिलेगी बिस्किट? ओ, मैं खाने वाले बिस्किट की बात नहीं कर रहा, सोने के बिस्किट की बात कर रहा हूँ। वो सबसे ज्यादा किस बैंक में होंगे? ओहो, गोल्ड बिस्किट वेदा सिटी बैंक में शिवा, अभी पिछले हफ्ते ही 50 किलो सोने का कंसाइनमेंट आया है। तो लड्डू सिंह जी, आप फौरन चौक से लौट आइए, वहाँ चौक में कुछ नहीं मिलेगा, कविराज ने हमें उल्लू बनाया है। पूरा पुलिस पोस्ट शहर से बाहर भेज के वो आराम से वेदास बैंक में रखे सोने के बिस्किट लूट रहा होगा। मैं वहाँ जा रहा हूँ, आप भी जल्दी आइए। पर कोई दिख भी नहीं रहा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। रिवा,
वेदास बैंक के गेट के पास एक मैन होल है, मैं उसके अंदर से बैंक जा रहा हूँ। कविराज लुटेरा ने नीचे से एक बड़ी सुरंग खोदी है जो बैंक में निकलती है, वो इस समय बैंक लूट रहा होगा। तुम लोग लड्डू सिंह जी को लेकर जल्दी आओ। शिवा बहुत तेज है, उसके होते वेदास शहर में कोई क्राइम नहीं हो सकता। मैंने उसे अपनी कविताओं के जाल में फंसा ही दिया। वो लोग शहर के बाहर चांदनी के ढाबे में बॉम्ब ढूंढ रहे होंगे। ये देखो, ऐसा क्राइम होने जा रहा है जो सैकड़ों साल तक लोग नहीं भूलेंगे। तो तुम मेरी कविताओं के जाल में नहीं फंसे, लेकिन तुम जैसे बच्चे को मसलना मेरे बाएं हाथ का खेल है। बच्चा नहीं कहना अंकल। ओ, तो बच्ची को बच्चा नहीं तो और क्या कहूँ। शिवा, शिवा नाम है मेरा। मैं जानता हूँ, पर आज के बाद ना तुम रहोगे और ना ही तुम्हारा नाम। तुम लोग मेरी बारात में तमाशा देखने आए हो क्या? बस को। तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, रुको। अच्छा मजाक कर लेते हो लड्डू सिंह, अब आ ही गए हो तो तुम्हारी खातिरदारी भी कर ही देते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो, गिर जाऊंगा मैं। अरे शिवा, वो भाग रहा है। नहीं छूटेगा। बिना तुम्हारा इलाज के यहाँ से निकलना मुश्किल लगता है, तो चलो तुम्हारा इलाज कर ही देता हूँ। Thank you.
शिवा बस करो, अब बहुत हो गया। अब मेरी कविता सुनो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तुमको और पड़ेगी पुलिस की मार। एक पोयम मैं भी सुना देता हूँ, पुषम्पा भाई पुषम्पा, डाकू ने क्या किया, बेघर बैंक में चोरी करी, आपको जेल में जाना पड़ेगा, जेल का खाना खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। बस करो, और नहीं सुन सकता, जिंदगी में पहली बार जेल जा रहा हूँ। सिर्फ शिवा की वजह से।